हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव एक बार फिर आपके सामने हिंदी में हारमोनिका सीखने की ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। और पहले जैसे कि मैंने बताया था कि आपको मधुरगन पकड़ना कैसे है, ये जो लो पिच आवाज़ है यानी कि हल्की सी आवाज़ जो मोटी आवाज़ हमें दिखती है वो हमारे बाई तरफ होगी, और जो हाई पिच आवाज़ जिसको ऊंची आवाज़ कह सकते हैं ये हमारे दाहिनी तरफ आएगी। उसके बाद हमने एक से लेकर और 24 तक बाएं से दाएं तक हमने नंबरिंग की है, और हमने नौवें होल से हमने लिखा है। नौ पे लिखा हमने सा, और 10 पे लिखा हमने रे, फिर गा, फिर मा, फिर पा, धा, और फिर सा, और फिर नी। 16वें नंबर पे हमने नी लिखा है, और 15वें पे सा लिखा है। ये जो 15 पे सा लिखा है हमने, ये दोबारा क्यों रिपीट हुआ है? ये सा जो है ऊपर वाले सप्तक का सा है, जिसको हम तार सप्तक बोलते हैं। तीन सप्तक होते हैं किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हारमोनियम में उसमें भी पहले हमारा मध्य सप्तक होता है, और बीच में एक सप्तक होता है, और मध्य सप्तक जिसको बोलते हैं, उसके बाद तार सप्तक जो आखिर वाला होता है। उसी तरह से इसमें हारमोनिका में भी ऐसे ही सप्तक होते हैं। ये दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, पहले हमने क्या किया था, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, उसी को वापस बजाए। यानी कि ये हम अलंकार कहते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे अलंकार बोलते हैं, ये हमें प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि हमें जो आवाज़ है उसकी पहचान हो जाए कि इसमें वो वाली आवाज़ कहाँ पर है। प्लस ये जितने भी कॉम्बिनेशन हम बगाए, जितने ज़्यादा बजा पाएंगे, जितने ज़्यादा अलंकार की हम प्रैक्टिस करेंगे, वो हमें म्यूजिक बजाने में वो बहुत ही हमारी सहायता करेंगे। देखिए अब हमें अगला अलंकार कौन सा बजाना है, इसी को डबल करना है। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। ये भी आपको बजाना। ये मैं इशारा कर रहा हूँ कि जब हम फूंक मारते हैं तो फूंकना है तो नीचे को, और खींचना है तो ऊपर को। तो जब मेरा हाथ ऊपर जाता है इसका मतलब खींचना है। वो हमारे नंबर के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। ये देखिए, पहले भी मैंने इस तरह का एक पेज दिखाया था, इसमें देखिए मैंने रंग भी अलग अलग किया है कि जब हम मंद्र सप्तक से और तार सप्तक यानी कि दाहिनी तरफ को चलते हैं तो ये रंग गाढ़ा होता जा रहा है, हरा रंग जो है हमारा। तो इसका मतलब है जो पहला जो पार्ट है वो हमारा मंद्र सप्तक है, बीच वाला मध्य सप्तक, और जो लास्ट वाला जो आखिर वाला पार्ट है दाहिनी तरफ वो है हमारा तार सप्तक। यानी कि आवाज़ हमारी ऊंची होती जाती है, यानी कि हाई पिच होती जाती है। और जो बेसिक चीज़ें वो मैंने इसमें लिखी हैं, और मैंने इसमें एक चीज़ और भी दिखाई कि नीचे एक बिंदु लगाया जो हमारे मंद्र सप्तक वाले जो सारे गामा पाधा नहीं है उनके नीचे एक बिंदु लगता है, इसकी पहचान है कि ये मंद्र सप्तक का है, और मध्य में कोई बिंदु नहीं लगता। और इसी तरह से जो तार सप्तक वाले सारे गामा पाधा नहीं है उनके ऊपर एक बिंदु लगता है, इसका मतलब कहीं भी अगर बिंदु ऊपर लगा इसका मतलब वो जो सारे गामा पाधा नहीं है वो हमारे तार सप्तक के हैं। और कभी भी कोई भी गाना एक ही सप्तक में नहीं बजता, हमेशा दो सप्तक तो कम से कम उसमें प्रयोग करने पड़ते हैं, या तो मंद्र और मध्य, या मध्य और ता, इस तरह से हमें बजाना पड़ता है। तो अभी आप बजाएंगे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। और इनकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं कर लेते तब तक हम इसको बजा नहीं पाएंगे और मुश्किल होगा, तो इसलिए हमें अलंकार तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। अदर मैं कुछ गानों की भी इसमें ट्यूटोरियल डालूंगा कि कोई ऐसे पर्टिकुलर एक गाना कैसे बजाना है। तो तब तक आप मेरी वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।